दसवीं क्लास की छात्रा के बिंदी लगाने मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हाउसिंग कॉलोनी में एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य ने बताया कि तेतुलमारी सेंट जेवियर स्कूल में एक छात्रा के साथ अभद्रता एवं दुर्व्यवहार के मामले में झारखंड सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक नीरज निखिल ने मीडिया को बताया कि तेतुलमारी थाना क्षेत्र के संत जेवियर स्कूल में 17 वर्षीय दसवीं की छात्रा बिंदी लगाकर स्कूल गई थी। इस दौरान वहां की शिक्षिका सिंधु ने सभी बच्चों के सामने छात्रा को बेइज्जत किया और छात्रा के परिजन को बताया कि आपकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसको लेकर छात्रा काफ़ी सदमे में चली गई और घर में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ सिंधु मैडम शिक्षिका तथा स्कूल प्रबंधन आर के सिंह पर लगाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संयोजक ने कहा कि पुलिस परिवार के साथ झारखंड सरकार अगर न्याय नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूं कि झारखंड के विभिन्न जिलों में ऐसे प्राइवेट स्कूल को मान्यता तत्काल रद्द करने का काम करें तथा एक कमेटी बनाकर पूरे झारखंड में वैसे स्कूल को मान्यता दे जहां पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं के प्रति व्यवहार अनुकूल हो। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद महानगर तेतुलमारी में जो उषा बहन के साथ घटना घटित हुआ है उसको लेकर प्रेस वार्ता की गई है। जैसा कि हम लोग कल गए थे पीड़ित परिवार से मिले हैं, तो पीड़ित परिवार का कहना है कि एक छोटा सा बिंदी लगाने को लेकर ये घटना घटित हुआ और स्कूल प्रशासन उसको रेस्टिकेट करने तक का बात कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक और प्रिंसिपल का सरासर गलती है। अगर प्रिंसिपल और शिक्षक अगर चाहते तो इतना बड़ा घटना जो घटा वो नहीं घटता। और एबीवीपी पूरे राज्य भर में अगर न्याय अगर पीड़ित परिवार को नहीं मिलता है तो पूरे राज्य भर में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम लोग राज्य सरकार से भी चाहते हैं कि निजी स्कूल जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनके खिलाफ उनको चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या उनको जो है सदस्य मतलब क्या उनकी सर्टिफिकेट हाँ उनकी मान्यता रद्द करने से ऐसी जो घटना घटित हुआ है वो कल के दिन में किसी भी छात्र या छात्रा के साथ घटित नहीं हो, इसके लिए अगर मान्यता रद्द की जाए तो ही उचित रहेगा। छात्रों के भविष्य के लिए ये बहुत उचित रहेगा। अपना नीरज निखिल जिला संयोजक धनबाद।